नागपुर शहर के ओमकार नगर स्थित साउथ पब्लिक स्कूल और चेरी बॉसन इंग्लिश स्कूल का वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम शहर के सुरेश भट्ट सभागृह में सम्पन्न हुआ। इससे रंगारंग कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में कंचन गडकरी, जिलाधिकारी विपिन इटनकर, डॉक्टर अविनाश कावंडे और स्कूल के संचालक देवेंद्र दस्तूरे उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में स्कूल के कुल 1400 बच्चों ने हिस्सा लिया था। इस रंगारंग कार्यक्रम में प्रमुख आकर्षण रहा छोटे छोटे बच्चों द्वारा पेश की गई नाटिका। इस नाटिका में बच्चों ने बताया टीवी पर क्या देखना चाहिए, साथ ही परिवार क्या महत्व रखता है, ये दिखाया गया। आज दी साउथ पब्लिक स्कूल और चेरी ब्लॉसम किंडरगार्टन, इसका आज एनुअल डे है, जिसको चेरी ब्लॉसम टीवी एंड एज वेल एज आर्ट एक्सप्रेस ऐसा नाम दिया गया है। इसमें करीब करीब 1400 बच्चे इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे दिन भर में, और पूरे बहुत ही उत्साह का वातावरण है और सभी बच्चे एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से जो टेलीविज़न पर बच्चे जो गलत और ये सीरियल्स देखते हैं उससे प्रेरित होके, ताकि बच्चे अच्छी चीज़ें देखें, यह विषय लेकर यहाँ पर आज ये प्रस्तुति है। पालक के बीच में भी बड़ा ही उत्साह का वातावरण है कि इस प्रकार से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है। आज डॉक्टर विपिन इटनकर अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कंचन तई गडकरी, डॉक्टर अविनाश गावंडे और कल्पना धारेश्वर मैडम और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी, ऐसे यहाँ पर आज गेस्ट करके उपस्थित है। सभी टीचर्स और पेरेंट्स का यह एक उत्साह का वातावरण देखते हुए बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है। इस समय जो चेरी ब्लॉसम टीवी जो कह रहे हैं इसको, इसका कि ताकि बच्चे गलत सीरियल्स देखते हैं, तो ताकि एटलीस्ट वो अच्छी चीज़ें देखें टीवी पर। कि तो बच्चों ने क्या किया, यहाँ पर एक प्रवास दिखाया एक दादा दादी और उनके फैमिली का, कि अभी ये CBTV देखना करके, तो CBTV में अपने देशभक्त है, भगवान है, अपने जो देश के जो हीरो है, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो एक सीखने लायक, एक लेसन लेने लायक समय है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।